यूपी की योगी सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है। इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी, आइए क्या है वो जानते हैं। राज्य सरकार की इस पॉलिसी के तहत आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर डिजिटल एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन की व्यवस्था भी की गई है। सोशल मीडिया पॉलिसी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार अपनी जन कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी लेकर आई है। पॉलिसी में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कॉन्टेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत विज्ञापन का लाभ लेने के लिए कंटेंट प्रोवाइडर को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें एजेंसी या फर्म को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर बांटा गया है। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 30,000 रुपये प्रति महीना, जबकि यूट्यूब वीडियो शॉर्ट और पॉडकास्ट भुगतान के लिए 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए देने का प्रावधान रखा गया है। बता दें, जहां एक और इसके फायदे हैं तो वहीं दूसरी ओर अगर आप पॉलिसी के तहत बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। योगी सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। अभी तक IT एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई की जाती थी। इसके अलावा अभद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है। यूपी में नई पॉलिसी का उद्देश्य है सोशल मीडिया पर फैल रही नफरत और झूठी खबरों को देना। सरकार का मानना है कि कुछ लोग सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल कर देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं, इसलिए सरकार ने इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ये कदम उठाया है। फिलहाल यूपी सरकार की इस पॉलिसी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।